हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने जा 9 ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप जिसका इस्तेमाल 0 से लेकर 2 साल तक बच्चों के उम्र के लिए किया जाता है। और अगर आपके घर में कोई बच्चा बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो 0 से लेकर 2 साल तक का है, तो आप इन सारे ड्रॉप्स को अपने घर पर रखें ताकि आप किसी भी इमरजेंसी जो कंडीशन हो उससे उभर सके आसानी से। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी शुड स्टार्ट द वीडियो। सारे ऐसे वीडियो बना रखे जो कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपकी मेडिकल की जानकारी को और ज्यादा एनहांस करती है और बूस्ट करती है। फ्रेंड्स, बातें करते हैं मेडिकल की जानकारी को एनहांस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे रखा है, आप जल्दी से जाइए और वहां क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज्यादा एनहांस कीजिए और बूस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी बच्चे की उम्र, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, 0 से लेकर 2 साल तक हो और उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, बीमार पड़ता है, तो वो एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि उसे क्या प्रॉब्लम है। और कभी कभी हालात ऐसी हो जाती है कि आप बच्चों को लेकर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हो। तो उस परिस्थिति से उभरने के लिए आज मैं कुछ 9 इंपॉर्टेंट ड्रॉप्स बता रहा हूँ जो कि आपके घर में होना जरूरी है अगर आपके घर में 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा है। तब चलिए फ्रेंड्स, नंबर 1 इसमें ड्रॉप है क्लैबम ड्रॉप। ड्रॉप क्लैबम, अगर किसी बच्चा को इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, 0 से 2 साल का है, उसको इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, ठीक है, तो क्लैबम ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रॉप एजिथ्रल आता है जूनियर, जे आर करके लिखा रहेगा, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई देखने को मिल रहा हो या दिखाई दे रहा हो। तो अगर जिस बच्चों को किसी को इन्फेक्शन हो गया है जिसकी उम्र 0 से 2 साल तक है, तो अगर जो इन्फेक्शन हो गया तो वो बोल नहीं पाएगा, तो वहाँ पर आपको 2 ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। एंटीबायोटिक में क्लैबम ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरा ड्रॉप इसमें क्या है, एजिथ्रल जूनियर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बच्चे की उम्र, जल्दी जरा डोज बता दो, अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीना तक हो, तो आप 4 बूंद सुबह शाम इसको दे सकते हो, 4 से 6 बूंद सुबह शाम दे सकते हो। अगर वही बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर अगर 1 साल हो, तो 6 बूंद से लेकर 8 बूंद या 8 बूंद से लेकर 10 बूंद दे सकते हो बच्चे को, तो जिससे क्या हो, इन्फेक्शन कम हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 ये रहा कि नंबर 1 ड्रॉप आपके घर पे क्या होना चाहिए, क्लैबम होना चाहिए ड्रॉप या तो एजिथ्रल जूनियर होना चाहिए, ठीक है। और 0 से 6 महीना रहेगा तो 4 से 6 ड्रॉप देंगे, अगर 6 महीने से लेकर 1 साल बच्चे की उम्र रहेंगे तो वहाँ पे हम 6 से 8 या 8 से 10 ड्रॉप दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 आपको समझ में आया। सेकेंड है इसमें गैस्ट्रिका ड्रॉप। गैस्ट्रिका का इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए करते हैं। अगर कोई बच्चा है उसको गैस ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, पेट डब डब कर रहा है, जैसे ही आप उसको टच करते हो वो रो भी रहा है, पैर मुड़ मुड़ के रो भी रहा है, दर्द भी पेट कर रहा है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया था, मतलब हाइपर एसिडिटी, अगर किसी बच्चे के पेट में गैस बना हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए, हाइपर एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में। और जिनकी उम्र 0 से लेके 6 महीने तक हो, उसमें आप 6 ड्रॉप दे सकते हो, 4 से 6 ड्रॉप दे सकते हो। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेके 1 साल है, तो वहाँ पे आप इसको दे सकते हो 8 बूंद से 6 बूंद से 8 बूंद या 8 बूंद से 10 बूंद, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको दे सकते हो, वो सिवरिटी आप पूरा देख लेना। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया था हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए गैस्ट्रिका। फिर नंबर 3 है कोलिकेट ड्रॉप। फ्रेंड्स, कोलिकेट ड्रॉप एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्रसिद्ध ड्रॉप है। अगर किसी बेबी को, ठीक है, पेट दर्द कर रहा है, बच्चा पैर मुड़मुड़ कर, ठीक है, प्लट प्लट कर रो रहा है, ठीक है, तो वहां पे समझ कि बच्चे कहीं ना कहीं पेट दर्द कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। आप इसे घर पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीना हो, तो 4 बूंद से लेके 6 बूंद तक दिया जा सकता है बच्चों को। अगर उसी बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से लेके 1 साल तक है, तो वहाँ पे 6 बूंद से 8 बूंद या 8 बूंद से 10 बूंद, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको दे सकते हैं। तो पेट दर्द अगर किसी बच्चे को हो रहा है, पैर मोड़ मोड़ रो रहा है बच्चा, तो वहाँ पे कोलिकेट ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि गैस्ट्रिका से भी पेट दर्द ठीक होता है, वो हाइपर एसिडिटी को ठीक करता है, साथ साथ पेट दर्द को भी ठीक करता है, लेकिन स्पेशली अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, गैस न बनने के कारण भी, तो यहाँ पे कोलिकेट ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में। और ये 3 ड्रॉप आपके घर पर होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉन्टेयर एलसी ड्रॉप। कि फ्रेंड्स, मॉन्टेयर एलसी ड्रॉप एक तरह का एंटी एलर्जी ड्रॉप है। जैसे मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, उसके सारे देह में रैशेस वगैरह हुआ, रेड रेड छकते स्पॉट टाइप का होगा, ठीक है, या सर्दी जुकाम हो रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये एंटी एलर्जी का काम करता है। किसी प्रकार का बच्चों में एलर्जी हो गया, ठीक है, उससे चलते बच्चा रो रहा है, तो वहाँ पे उसको एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका, जैसे बच्चे को पूरा देह में मान लो जैसे दाना दाना हो गया, चकत्ता चकत्ता टाइप का रेड स्पॉट हो गया हो, ठीक है, या तो सर्दी जुकाम ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, ना सर्दी ज़्यादा हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे
मॉन्टेयर एलसी ड्रॉप का इस्तेमाल किया था, बेसिकली इसके अंदर मॉन्टेलुकास्ट और लिवोसेट्रिजिन ड्रॉप पाया था। और अगर किसी बच्चे की उम्र 0 से 6 महीना है तो यहाँ पे इसको हम देते हैं 4 से 6 बूंद देते हैं, लेकिन दिन में एक ही बार दिया था। ज्यादातर प्रेफर करना चाहिए शाम, क्योंकि शाम में जो मॉन्टेलुकास्ट होता है और लिवोसेट्रिजिन, इसकी एफिकेसी और जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है, इसलिए शाम में इसको देने को डॉक्टर एडवाइस करते हैं। दिन में एक ही बार दिया था। लेकिन अगर किसी बच्चे की उम्र, सिंपली समझिए, किसी बच्चे की उम्र 6 महीने से लेके अगर 1 साल तक हो तो वहां पे 6 से 8 बूंद या 8 से 10 बूंद दिया जा सकता है बच्चों को, लेकिन एक ही बार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रॉप के बारे में आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट ड्रॉप है हमारा डेफकोट 6 mg। डेफकोट 6 mg ड्रॉप एक तरह का समझिए कि एक स्ट्राइडर ड्रॉप होता है। क्या स्ट्राइडर ड्रॉप होता है? ये क्या करता है, मेडिसिन जो काम कर रहा है साथ में उसके कैपेसिटी को बढ़ा देता है, वर्क करने की एफिकेसी को, क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली डेफ्लाजा कोट होता है। जैसे किसी बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, और वो जल्दी छूट नहीं रहा, तो वहां पर डॉक्टर मॉन्टेयर एलसी के साथ साथ डेफकोट ड्रॉप को भी जोड़ते हैं, जिसके अंदर बेसिकली होता है क्या है, डेफ्लाजा कोट होता है। तो डेफ्लाजा कोट का काम क्या होता है कि वो स्ट्राइडल ड्रॉप होता है और सब जो मेडिसिन चल रहे हैं उसके वर्क करने की क्षमता को बढ़ाना और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम क्या करेगा, जो भी सूजन होगा, दर्द होगा, जलन होगा, उसको ये कम करने का काम करेगा। तो डेफकोट ड्रॉप का भी डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया था। देखिए, जब किसी कोई बच्चा होता है बेसिकली कि जो ज़्यादा बीमार होता है, सर्दी खांसी जुकाम जिसको ज़्यादा लेवल पे है, ठीक, एक्सट्रीम लेवल पे है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको जरूर जोड़ते हैं। अगर बच्चे की उम्र 0 से 6 महीने तक हो तो वहाँ पर इसको 4 से 6 बूंद दिया जाता है, ठीक है। और अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 1 साल तक, यहाँ पर 6 बूंद से 8 बूंद या 8 बूंद से 10 बूंद 2 टाइम इसको दिया जा सकता है डेफ्लाजा कोट को। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ड्रॉप के बारे में आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ड्रॉप हमारा कालपोल। कालपोल अपने नाम सुना होगा ड्रॉप का। अगर किसी बच्चे को, ठीक है, किसी बच्चे को क्या हो, बुखार हो, देहात में बदन में दर्द हो, ठीक है, बदन में दर्द और बुखार उखार आ गया हो, फीवर के लिए स्पेशली जो कालपोल होता है इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ये दोनों होते हैं। मतलब इस एंटीपायरेटिक कहने का तो जो बुखार के खिलाफ जाकर काम करेगा और एनाल्जेसिक करेगा दर्द को भी काम करेगा। पैरासीटामोल के अंदर ये जो कालपोल होता है उसके अंदर बेसिकली पैरासीटामोल पाता है, और ये पैरासीटामोल 2 तरीके से काम करते हैं, फीवर को तो रिड्यूस करता ही करता है, साथ में साथ थोड़ा बहुत पेन को भी ये कम करने का काम करता है। तो अगर किसी बच्चे को फीवर हो रहा है, ठीक है, और साथ में बदन दर्द वगैरह ये सब कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर कालपोल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कालपोल ड्रॉप भी आपके घर पे होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे स्पोरोलैक सैचेट कब देते, जरा इसे समझिए कि मान लिया छोटा बच्चा है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल है, जिनकी उम्र 0 से 2 साल है, तो उसमें कभी लैट्रिन बाथरूम बहुत ज्यादा होने जाता है, वो डायरिया विक्टिम हो जाता है, तो उस डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, स्पोरोलैक सैचेट का इस्तेमाल किया था। ये बहुत जबरदस्त काम करता है डायरिया के खिलाफ, बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर कोई बच्चा, ठीक है, अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 0 से 6 महीना, तो स्पोरोलैक सैचेट को क्या करते हैं, हाफ सैचेट विथ मिल्क, इसको क्या करते हैं, अगर जिस बच्चे की उम्र क्या हो 0 से 6 महीने के अंदर हो, तो कुछ नहीं करना, उस सैचेट को पुड़िया को खोलना है और आधा सैचेट को दूध में मिला के उसको बच्चे को पिलाना है, तो वहां से ये डायरिया कंट्रोल। लेकिन अगर किसी बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 1 साल तक हो तो पूरे सैचेट को दूध में घोल के दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि डायरिया कंट्रोल हो जाता है। तो मतलब डायरिया को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, स्पोरोलैक सैचेट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में। एक तरह का समझिए कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होता है, एक तरह का समझिए, जो क्या करता है, स्टोमक को हेल्दी रखने का काम करता है बेबी का। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके घर पे होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉप ग्रांडिम। ग्रांडिम ड्रॉप के अंदर बेसिकली ग्रैनिसेट्रॉन होता है। ये क्या करता है कि अगर किसी बच्चे को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, जैसे पी रहा दूध पिया उल्टी करना चालू कर दिया, उसके बाद उल्टी हो रहा है, ठीक है, तो उल्टी को कंट्रोल करने के लिए, नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, ग्रांडिम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। और आपके घर में अगर कोई बेबी है जो बहुत ज्यादा उल्टी उल्टी कर रहा है 0 से 2 साल के बीच में, तो इस ड्रॉप को आप अपने घर पे जरूर रखें। अगर कोई बेबी की उम्र, ठीक है, अगर किसी बेबी की उम्र 0 से 6 महीने तक, तो इस ड्रॉप को आप ज्यादा नहीं 4 बूंद से 6 बूंद दीजिए। लेकिन अगर किसी बेबी का, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, उसकी उम्र 6 महीने से 1 साल भर है, तो आप उसको 6 बूंद से 8 बूंद दे सकते हो 2 दिन तक, ठीक है, उसके बाद SOS के तौर पे दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ड्रॉप है जो कि बहुत ज्यादा है, वो क्योंकि नसाल कंजेशन के लिए। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, अगर बच्चे रहते हैं और बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो जिसकी उम्र 0 से 2 साल है,
तो सर्दी खांसी जुकाम में बेसिकली होता क्या है, उसका जो नाक होता है जाम हो जाता है बच्चे का, जिसको नसाल कंजेशन बोलते हैं। नाक जाम हो जाने के बाद बच्चे को सोने में प्रॉपर ढंग से नींद नहीं ले पाता है, जिसके कारण बच्चा बहुत रोने लगता है। तो वो अगर नाक अगर किसी का जाम हो, नसाल कंजेशन हो किसी बच्चे को, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए रायल्ट्रिज एजेंट, ठीक है, रायल्ट्रिज एजेंट नसाल ड्रॉप या तो नेजो क्लियर करके नाम आता है, नेजो क्लियर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेजो क्लियर या नेजो क्लियर या रायल्ट्रिज एजेंट ड्रॉप आपके घर पे होना बहुत जरूरी है अगर छोटा बच्चा है। इसका इस्तेमाल नसाल कंजेशन को ठीक करने के लिए, अगर कोई बच्चा है उसको नाक जाम हो चुका है तो वो सो नहीं पाएगा, सही से सांस नहीं ले पाएगा, तो रोएगा बहुत, तो उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए इस रायल्ट्रिज एजेंट ड्रॉप को या नेजो क्लियर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नाक बंद है उस नाक में एक बूंद ज्यादा नहीं, वन पफ आपको देना होता है जो नाक बंद है, इस तरीके से वो नाक क्लियर हो जाएगा, बच्चे अच्छे से सो पाएंगे, आसानी से सो पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ 9 इंपॉर्टेंट ड्रॉप थे जो कि आपके घर पे होना बहुत जरूरी है अगर आपके घर पे कोई बच्चा 0 से लेकर 2 साल के बीच में है। हालांकि मैंने डोज भी बता ही दिया सबका कितना कितना बूंद देना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।